एडॉल्फ हिटलर एक ऐसा डिक्टेटर था जिसे इतिहास में सबसे क्रूर डिक्टेटर माना जाता है, जिसके सामने पूरा विश्व कांपता था। इसने ही हेलोकास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार हुआ था। हिटलर ने कैसे लाखों यहूदियों की जान ले ली? यूरोप में यहूदी आबादी लगभग 2/3 था। हिटलर ने जर्मन के सारे यहूदियों को पहले कुछ खास इलाकों में बुलवाया और अलग अलग तरीकों से उनकी हत्या करवा दी। कुछ को दफना दिया, कुछ को जिंदा ही जलवा दिया, कुछ यहूदियों को तो उसने गोली से मरवा दिया, और बहुत सारे यहूदियों पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसे सुनकर ही आपका दिल दहल जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट के फोटोज आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसीलिए हिटलर को दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। और क्या आप पहले से ही हेलोकास्ट के बारे में जानते हैं? अगर जानते थे तो कमेंट में जरूर बताएं।